नृत्य दिग्दर्शक चिन्मय पाळी यांची डान्स इनिशिएटिव्ह प्रोग्रामची घोषणा. नृत्य क्षेत्रात अनेक संधी उपलब्ध आहेत. या क्षेत्रात करिअर करणाऱ्यांसाठी डान्स इनिशिएटिव्ह प्रोग्रामची घोषणा करण्यात आली आहे. सोल टू सोल डान्स अकॅडमीच्या वतीने वाशी सिडको सभागृहात समर शोकेस 2022 आयोजन करण्यात आले होते. वेगवेगळ्या वयोगटातील विद्यार्थ्यांनी नृत्य सादर करीत सर्वांची मने जिंकली. ही नृत्यशाळा आपल्या 10व्या वर्षात पदार्पण करीत असल्याने ऑगस्टमध्ये रूह 15 या कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली. नवी मुंबईमध्ये ज्यांना उत्तम प्रकारे ही कला आत्मसात करायची आहे त्यांनी सोल टू सोल डान्स अकॅडमीमध्ये विविध नृत्य प्रकार शिकण्याची संधी घ्यावी असे आवाहन नृत्य दिग्दर्शक चिन्मय पाळी यांनी केले. नवी मुंबईमध्ये प्रथमच बॅले, कंटेम्पररी, जॅझ, हिपहॉप तसेच मलखांब हे नृत्य सादर करण्यात आले. डान्स इनिशिएटिव्ह प्रोग्राममध्ये जागतिक दर्जाचे नृत्य शिकवले जातील. 3 महिन्याच्या या कोर्समध्ये भारताच्या विविध भागातून विद्यार्थी सहभागी होतील. या कार्यक्रमामध्ये भावना हुंडच्या व्यवस्थापिका, संचालिका अपर्णा शहा, रेखा चौधरी, डॉक्टर वंदना जैन, डॉक्टर जयश्री भागवत, नृत्य दिग्दर्शक अर्जुन मेनन, नृत्यशक्तीच्या संचालिका रितू वॉरियर, भावना पुरोहित, साहिल मयंकर तसेच इतर मान्यवर व पालक प्रेक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. तो कोविड के बाद ये पहला हमारा शो ऑर्गेनाइज किया हमने एंड इट्स अ ग्रेट फीलिंग बेसिकली. लाइक स्टेज से हम लोग अराउंड 2.5 साल दूर रहे. 2.5 साल के बाद फिर से स्टेज मिल रहा है, बच्चों को हमें मिल रहा है, टीचर्स हमारी कोरियोग्राफीज दिख रही है, हमारा काम दिख रहा है स्टेज के ऊपर. पेरेंट्स हमारे काम को फिर से एक बार तराशेंगे, उनको और इस काम की तरफ, हमारे काम की तरफ और प्यार बढ़ेगा. तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पूरी टीम ने बहुत मेहनत करी है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस समर शोकेस. Hi, so my name is Arjun. I think it's one of the best performances, especially in Navi Mumbai, that I've ever seen. And it's very professional, the way Chinmay himself have organized the whole thing, especially coming on stage after, I think, for 2.5 years, for all the kids is a very special thing. And a big kudos to all the parents who have, you know, made the effort of getting the costume together, sending the kids for like umpteen number of hours of rehearsals. Like the kids have been rehearsing there for like 10 hours at times, 5 to 7 hours every single day to make you all see the performance that you guys have seen on stage right now. So I think it's a great job, and Navi Mumbai is going places right now because of this academy that is Soul to Soul. So all the best to each and every one of you all, and keep dancing. So I mujhe congratulation kehna bahut hi important lag raha hai is samay pe, kyunki जो आज जो शो हुआ है सोल एंड सोल, जो टीम है एकेडमी जो 2 साल के बाद परफॉर्म कर रही थी, और मैंने बहुत ही ज़्यादा एनर्जी महसूस की क्योंकि 2 साल के बाद ये लोग आज प्लेटफॉर्म पे थे. और आई रियली रियली अप्रिशिएट द ऑल द एफर्ट्स वॉट एवर दे हैव बीन पुटिंग फॉर दिस शो. बहुत बढ़िया लगा क्योंकि मैं वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग करती हूँ. आई एम डॉक्टर रेखा चौधरी, ग्लोबल वेलनेस एम्बेसडर ऑफ इंडिया. और जब वेलनेस की बात आती है तो डांस के बगैर वेलनेस कभी भी कंप्लीट नहीं होता है. और आज मैंने जो देखा कि कॉन्स्टेंटली एक के बाद जो टीम आते जा रही है मेरे सामने, देखते देखते कुछ ही क्षणों में कितने ऑलमोस्ट 10 to 15 अकेडमीज़ ने परफॉर्म किया है. और ऑल द क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू चेन्नई, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया है. नवी मुंबई में ऐसे शो होना बहुत ही ज़रूरी है. और नवी मुंबई की जो आज की जो यहाँ पे पब्लिक बैठी है उनमें से जो टैलेंट मैं देख रही हूँ बच्चों के अंदर, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा है. ये शो आज मैं एज ए चीफ गेस्ट अटेंड करते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है. नवी मुंबई में भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे हैं और अच्छा उनको ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल द टीम इंक्लूडिंग दिस सोल एंड सोल अकेडमी एंड ऑल द अकेडमीज हु इज परफॉर्मिंग हियर, एंड स्पेशली थैंक्स टू चिन्मय. सबसे पहले आई एम अपर्णा शाह, MD एंड ओनर ऑफ भावना ग्रुप. भावना होंडा ये हमारा ब्रांड है और काफ़ी सारे ऑटोमोबाइल के और डीलरशिप नवी मुंबई में है. चिन्मय के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि डांस अकेडमी जो है सोल टू सोल इज़ एन अमेजिंग अकेडमी. द वे ही हैज़ हैंडल कि नवी मुंबई के हर एक छोटे से लेके बड़े हर एक जन को उसने इसमें इन्वॉल्व किया है. पहली बात, दूसरी बात, जितने भी स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं दे आर अमेजिंग डांसर. दैट मीन्स द वे ही इज ट्रेनिंग दिस स्टूडेंट्स इज अमेजिंग. देयर इज नो एज लिमिट. डांस अगर आप देखोगे तो ये एक स्ट्रेस रिलीवर है. तो चिन्मय इज डूइंग एन ऑसम जॉब फॉर दिस और खूब खूब उसके लिए उसको शुभेच्छा. थैंक यू सो मच. हाय, आई एम डॉक्टर जयश्री भागवत फ्रॉम आई एम एजलेस एस्थेटिक सेंटर. And I congratulate Chinmay
for the great show, and he is also celebrating 10 years of his academy, and I wish him all the very best for his dance academy. मतलब मैं तो first of all बहुत excited हूँ because ये covid के बाद पहला जो show है मैं ऐसे dance show मैं कोई attend कर रहा हूँ और ये academy के साथ actually मेरा पहला show है so it's like double धमाका and yeah I've been knowing him but अभी तक मुझे उनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला और ये so बहुत ही अच्छा experience है और ये 10th एनिवर्सरी भी जो है मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा इन लोगों के साथ काम करने का इतने सारे अच्छे परफॉर्मेंसेस देखना और डांसर्स के साथ काम करना सो एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है और हाँ बहुत एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वैसे हम लोग बहुत साल बाद एक तो ऐसा कोई एनुअल शो देख रहा है डांस शो देख रहा है और बच्चे इतने मतलब क्यूट है और इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और मैंने सुना है कि कुछ 20 दिन में ही उन्होंने ये परफॉर्मेंस रेडी किया है इतने परफॉर्मेंसेस विच इज़ ग्रेट और हर ब्रांचेस की परफॉर्मेंस अमेजिंग है और बच्चे भी इतने अमेजिंग है बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू सी दीज अमेजिंग स्टूडेंट्स डांस मैं भी नई मुंबई से हूँ मैं यहाँ पे पली बड़ी हूँ और जब मैं बड़ी हो रही थी तब ये नहीं था सो थैंक यू चिन्मय फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस